हर महादेव दोस्तों, यूं तो सावन का महीना, शिव का महीना चल रहा है, तो उसी के दौरान हम दर्शन करने के आए हैं। मठोली ऐतिहासिक स्थान है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। ये जो रास्ता है, इसका जब हम राजे की तलाश से जसूर की ओर जाते हैं तो उस रास्ते पे ये मंदिर है। जो इसकी हिस्ट्री है काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है, और ये मंदिर की जो हिस्ट्री है ये अपने पठानकोट शहर के साथ भी जुड़ती है। तो बेशक ये वीडियो काफ़ी बड़ी होगी क्योंकि हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेजेस है, तो जिस कारण ये जो वीडियो है इसको काफ़ी समय लगा शूट करने में। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी देखें ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस मंदिर के बारे में पता चल सके। हर हर महादेव। देखो जी, इस मंदिर का इतिहास ये है कि ये सात रूप के शिवलिंग जो है महात्मा थे, इस जगह के ऊपर थे, महात्मा जी रहते थे सात युग में। इस जगह का नाम जो था लोहा कोटा शहर राजवाड़ा था जयचंद राजा जी का। जयचंद राजा जो था इस राजवाड़े का मालिक था, और ये महात्मा इस जगह के ऊपर रहते थे, और इस जगह के ऊपर ये योगी था नाथ। इस मंदिर का जो था सतयुग में ही ये मंदिर की जगह, और ये मंदिर ही था, इस जगह का ये सेवादार पुजारी सेवक था। और सतयुग में त्रेता द्वापर में जैसे महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी हो, जो जैसे भी भक्ति करके भगवान को साक्षात आगे खड़ा कर लेते थे, और भक्तों के भगवान बस में जैसे होते हैं ऐसे भगवान उनको वरदान देता था, उनकी भक्ति के अंतर्गत शक्ति देते थे। ऐसा था कि जो राजा जयचंद था इस राजवाड़े का मालिक, उसके आगे एक लड़की हुई। उस लड़की का जब पंडित जी को अपने कुल के क्रोध को बुलाया, उस क्रोध को उसने पूछा कि पंडित जी ये लड़की बेटा बच्ची जो है कैसे है। तो उस बेटी के लिए पंडित जी ने बोला कि ये बेटी आपके लिए तो माड़ी है, आपकी प्रजा के लिए भी माड़ी है, कि जितना राजवाड़ा तेरी जो प्रजा है इसके लिए भी ये बहुत माड़ी है, राजा इसको तो किसी को दान कर दे, चाहे इसको जन्म लगा दे। और जो सातयुग में जो बिरेड़ी घाट है ना, इस रास्ते में गंगा माता का रास्ता था, गंगा इस रास्ते जाती थी सातयुग में। और ये सिद्ध पीठ महात्मा जो शिव रूप में स्वयं समाधि ले गए थे ना, ऐसा हुआ कि उसने गंगा में एक पेटी बना के उसको पेटी में डाल के लड़की को मार दिया। आगे गाड़ के ऊपर धोबी कपड़े धो रहा था, उस धोबी के किनारे जब वो पेड़ आई तो उसने कोई डंडा पकड़ कर पेटी को पकड़ लिया, खींच के बाहर निकाल दिया। अब उसको खोला देखा तो लड़की गुट्ठा चूस गई। अब लड़की को गुट्ठा चूस रही थी ना जैसे, तो उसने देखा कि ये तो बच्चा किसी राजे महाराजे का है, उसके आगे संतान थी लेकिन एक प्रजापति कुम्हार थे इसी राजवाड़े में कोटा शहर में। तो उसने वो लड़की कुम्हारों को दे दी कि इनके आगे कोई संतान बच्चा नहीं है जिसका पालन पोषण कर लेंगे। अब वो बच्चा उनको धोबी ने दे दिया। अब वो बच्चा उनके आगे बच्चा नहीं था, उन्होंने पालन पोषण किया, वो लड़की जवान हो गई। एक दिन कोई राजा सैर को निकला हुआ था अपनी घोड़ी के, अब वो लड़की माटी लेने आई थी, उस लड़की को देखा, लड़की जवान हो गई थी। उस लड़की को देख के राजा मोहित हो गया कि मैं इसके साथ अपना सौंदर्य चाहूँगा, शादी कर दूँगा। उसी का खून था लेकिन वो अपने अनजानपन में या ना पहचानने से उसने उस लड़की को देखा कि ये लड़की मुझे माटी चुकाने को बोलेगी। अब कहते हैं सतयुग में जैसे पक्षी पखेरू डंगर बच्चा जो भी था हर चीज़ बातें करती थी, बुजुर्ग लोग कहते थे ना, ऐसे वो लड़की माटी को कहे कि ये हमारा राजा है, मैं इसको कैसे कहूँ इस माटी को चुकाने को। कहते हैं सतयुग में जवान भी बहुत बड़े बड़े थे। अब वो लड़की जो है उस माटी से बातें करती है, माटी जो खुल खुल करके बोलती कि तुम उठाओ, मैं खुद ही तेरे सिर के ऊपर इतना बड़ा भार जो बोझा है मैं फूलों की तरह आ जाऊंगी, तुम राजा से मत बोलो, इसको मत बोलो। उसने ऐसे वो लड़की ने फूलों की तरह टोकरा फैला चल पड़ी। राजा देखकर और मोहित हो गया और अपनी घोड़ी लेकर वो अपने महलों में चला गया। राजा के महल थे, ये तलाड़ा नाम से आज गाँव है कस्बा है, वहाँ उसके महल थे सतयुग में। आज भी वो महल के चक जो उसके महल हैं उनके चक वगैरह जो पुराने हैं पड़े हुए हैं। तो अपनी घोड़ी को लेके राजा सवार होकर अपने महलों में चला गया, अपने वजीर को उन कुम्हारों के घर में भेजता है, क्योंकि उसने देखा था जी तो गरीब है, तो ये जो लड़की है इसको मैं शादीशुदा करूँगा, तो मैं इसको अपना दान दौर जो है मैं दे दूँगा। वजीर को भेजता है, वजीर ने पूछा उनको, जब वजीर को पूछा उनको पूछते हैं वजीर लोग जाके कहता है कि आपके लड़की जो है राजा जी कहते हैं जयचंद राजा जी था कि मैं इसके साथ अपनी शादी कर।
अपनी इसको रानी पटरानी बनाओ। अब वो लड़की के जो थे ना वो प्रजापत कुंभार, वो कहते हैं कि ये देखो वजीर हमारा अपना बच्चा नहीं है, हमें भी ये धोबी द्वारा मिला, अब पता नहीं ये किसका बच्चा है नहीं, लेकिन जो राजा चाहता है तो कर सकता है। अब वजीर राजे को समझाता है कि राजा कहीं कोई लड़की ना हो, कोई ऐसा सर्वनाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, सतयुग की बात है नहीं पहले युग की। अब वो लड़की जो है उसको भी पता नहीं था कि मेरा ये पिता है, क्योंकि उसका तो पालन पोषण किया कुम्हारों ने। ऐसे वजीर को बोला, वजीर ने राजे को बोला, राजे ने अपना पंडित प्ररोध बुलाया, उसको बोलता ऐसे प्लान डालते थे ना जैसे पहले, उसको पूछता है, कहता है कि पंडित जी आपको मैंने इसलिए बुलाया कि अपने घर की घोड़ी हो उसके आगे बछेरी हो तो राजा लोग उसके ऊपर सवारी कर सकता है। अब पंडित को जितनी बात पूछी पंडित ने उतना जवाब दिया, बोलता कि राजा जी देखो अपने घर की घोड़ी हो उसके आगे बछेरी हो, तो बछेरी जब जवान हो जाती है तो वो भी घोड़ी की तरह उसके ऊपर काठी डालेंगे, आप सवारी करेंगे, उसका तो कोई विचार नहीं है, क्योंकि जो घोड़ी की बछेरी है वो बड़ी जवान होगी तो घोड़ी है तो आप सवारी कर सकते हैं। अब उसने कोई मतलब आना कानी करके बात पूछी, सही लफ्ज उन्होंने बोला कि ये लड़की वो है जो पूछ लिया, उसने मन में पाप जब उसके सिर के ऊपर तो पाप बैठ गया, ऐसे में उसने ये स्वयंवर जो रच गया। अब लड़की को उसको बकरी द्वारा पता चला था जिन प्रात आनी थी जिस दिन रात, और उसी दिन प्रात आनी थी उसी दिन जहाँ का एक लड़की थी जो ना वो जैसे साधुन में जे कोटा शहर राजवाड़ा था तो बसोली में भी राजवाड़ा था, उस राजवाड़े में जहाँ के राजवाड़े की लड़की शादी हुई थी उसकी वहाँ बसोली राजवाड़ा। तो अब वो लड़की उसी ही दिन जिस दिन जे घर को जाना था तो उसी दिन वो लड़की अपने घर वाले को साथ लेके अपने बच्चे को लेके अपने मायके आ गई, उसी दिन वो आ गई। जैसे लड़की की जब रात को बरात आनी थी राजे की ना तो वो लड़की वैसे बाहर अंदर आई होगी, तो एक बकरी जैसे कहते ना कि बातें करते थे बख्शी गेरू बकरी भैंस डंगर जो होता है, अब बकरी जो अपने शेरू को बोलती कि दूधू पीले दूधू पीले, अब शेरू जो है बच्चा बकरी का कहता मैं नहीं पीऊँगा मैं अम्मा अम्मा मैं तो पेट भरा मेरा, वो कहती अब पेट भरा लेकिन और पीले रात को जहाँ कुछ नहीं रहेगा। अब वो सोर्ट के नाम से लड़की को बुलाते थे जो कुम्हारों के घर में जो बच्ची पली थी राजे की ना, अब वो कहती लड़की सुनती है कि बकरी कह रही रात को कुछ नहीं रहना मेरी तो बरात आनी है, लड़की बहुत खुश थी कि मैं राजे के साथ मेरी शादी होगी। अब बकरी द्वारा उसको पता चला, अब बकरी को बेमना पूछता शेरू की रात को क्यों नहीं रहना, वो कहती कि जो राजा जयचंद है जो कुम्हारों ने लड़की पाली है इसका नाम सोर्ट रखा है, इस सोर्ट को जब वो शादी करके ले जाएगा तो ये सारा घर हो जाएगा, जहाँ जाड़ सूट भी नहीं रहेगा कुछ नहीं रहेगा, सब प्रजा आ जाएगा, पूरी प्रजा सारी सोई हुई मर जाएगी, इतना जुर्म पराजित कर रहा है कि अपनी बेटी के साथ सौंपर जो उसने गिर जाए। ऐसे में उस लड़की को पता चला, उसने बाई रूप धारण करके जैसे विराट रूप उठता ना, ऐसे में जाकर वो अपनी पालने वाली माँ को पूछती है, उसने फिर बोला कि बेटे मेरे को पता नहीं है इतना क्रोध क्यों गुस्सा क्यों कर रही है, अब तेरे को पता ना मेरे को पता कि अपनी भूख से मैंने जन्म तुझे नहीं लिया। ऐसे में ही वो स्वयंवर रच गया, उधर राजे की बरात आनी थी उसी दिन वो बसोली राजवाड़े में जो लड़की जहाँ की शादीशुदा हुई थी अपने बच्चे को लेकर अपने घर वाले को लेके अपने मायके किधर आ गए। अब जब वो कुआरपन में लड़की इस बाबा जी की पूजा करती थी, महात्मा जो भी नाथ थे तो इनकी पूजा करती थी, वो दूध वगैरह जब वो सेवा करती थी। अब वो लड़की जब लड़का दोनों आए तो अपने मायके के घर से सीधे इधर आ गए। अब बाबा जी ने वो वंश बचाना था भोलेनाथ का, इनको आदेश हुआ कि जहाँ का कोई बीज बचा लेना नहीं तो मैं सारा कुछ प्रलय कर दूंगा, ये सिर्फ अपना टिब्बा बचाऊंगा थोड़ा सा स्थान। ऐसे में वो लड़की लड़का दोनों इधर आ गए। अब लड़की को बाबा जी ने बोला कि बेटे तुम घर चलो ले आ जाता है, अब लड़की चली जाती है। अब बैठते 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 जो जहाँ का वो जवाई था वो लड़का जो इसकी शादी तो हुई थी ना, अब वो अंधेरा हो गया। बाबा जी ने उसको बोला कि बेटे तू यहाँ से चला जा, अपना परिवार बच्चा भी ले जा लेकिन अपने ससुराल के घर का एक लड़का को बीज ले जा कि यहाँ का बीज नाश ना हो वंश चलता रहे, बाकी यहाँ गर्व हो जाएगा, मैं तो सिद्ध खुद समाधि लगा के मैं सिद्ध हो जाऊँगा लेकिन तू यहाँ का कोई बच्चा ले जा। अब लड़का वो आत्मविश्वास करता था, आत्मविश्वास से वो लड़का जाके अपने घर वाले को उठाता है, जैसे रात को 10-11 बजे हो गई तो वो लड़की अपने बच्चे को ले गया ऐसे सोई होगी, उसने उठाया कि उठो चलो
अब उठ के चल पड़ती है, वो सोई हुई में जैसे सूरत निंद्रा होता है ना बंदा, ऐसे में इस गंगा के घाट को पार करना था। अब लड़की को जिद करती है, कहती है कि स्वामी आधी रात जाने का क्या कारण है, आगे दिन में जाते थे, आज आधी रात है, कोई बात नहीं, क्या बात है, आप इतने मतलब गुस्से में आके मेरे को बोल रहे हैं कि चलो चले जाना है, अब जा भी रहे हैं लेकिन रात को जाने का कारण क्या, मैं नहीं जाऊँगी। उसने इसलिए अट किया, उसको बताना पड़ा कि बाबा जी ने ये बोला कि यहाँ कुछ नहीं रहेगा। उसने बोला स्वामी जब कुछ नहीं रहेगा तो ना मेरा माँ मिलेगा, ना बाप मिलेगा, ना भाई मिलेगा, हमारा तो जहाँ कोई रहेगा नहीं तो हम किसके पास आएंगे, तो आप रुको मेरा एक माँ बाप को मैं उठाऊँगी नहीं, मेरा छोटा सा एक भाई उसका मुँह देखूँगी और चली आऊँगी। उसने अपने मन में सोचा कि मैं बच्चे को जन्म और दे दूँगी, मैं अपना भाई ले जाऊँगी तो मेरे माँ बाप का नाम चलेगा, वंश बच जाएगा, कि बीज नाश नहीं होगा हमारा, जो वंशा है वंशावली है ये चलती है। ऐसे में उसने घर वाले को नहीं बताया, आई उसने अपना बच्चा छोड़ दिया, अपने भाई को गोद में लेकर यहाँ से वो निकल गए। ठीक है, वो निकल जाते हैं, अपने बच्चे को छोड़ जाती है। अब राजे की जो बरात चढ़ जाती है, लग्न होते हैं, लग्न में आग निकलती, आगन जैसे पंडित विवाह पड़ता है। अब लड़की सोल्ट को इतना बहुत गुस्सा था कि अपनी जो संग सहेलियाँ थी ना, उन संग सहेलियों को कहती कि आपने रात को एक गाल गानी, जैसे वो गाने गाती है ना रेड़ियाँ रखी हैं, अब वो कहती कि आपने एक ही वाणी पढ़नी है और कोई गीत नहीं गाना है, यही बोलना है कि ब्याह बने लिया पंडा तेन डसले काला नाग, जयचंद राजे की मैं बेटड़ी ते सोल्ट मेरा नाग। अब वो ऐसी ही ऐसी पते में गाना, वही गाना बार बार गाए। अब वो लगन में अग्न निकले, अग्नि इतनी तेज अग्न निकले कि लगन में आग निकले, बहुत आधा लगन राजे का हो गया था। अब पंडित को जब इस बात का पता चला कि ये तो बेटी वही है, पंडित ने राजे के कान में फूक मार के बोला कि राजा तू तो गया लेकिन तेरी प्रजा भी की, तेरा सब कुछ चला गया। अब राजा उठकर बोलता कि पंडित जी अब बताओ मैं क्या करूँ, बोलता मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अब वहाँ से राजा भाग कर आता है, आगे आगे राजा पीछे पीछे लड़की। इस बाबा जी के पास आते हैं, कहते हैं कि बाबा जी मुझे बचा लो, मुझे छुपा लो, कुछ भी हो कैसे भी करो मुझे बचा लो, मेरी प्रजा को बचा लो, मैं तो बड़ा गुनाह कर दिया। बाबा जी बोले नाथ जी कि देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी भक्ति को खंडित मत कर, राजा तूने जो करना था कर दिया, मैं तो अपनी समाधि लेने को जा रहा हूँ। अब बोलते कि मेरे को छुपा ले बाबा, कुछ भी बचा ले। उसने बोला तेरा कर्म। बाबा जी ने लिया उसके पास डंडा था, कहते इनके धुने के ऊपर जो डंडा था बाबा जी ने इष्ट के साथ मक्खी बनाकर डंडे के साथ लगा दिया। अब मक्खी बना के डंडे से लगाया, पीछे से लड़की आ गई, कहती हे महात्मा, हे जोगीराज, हे नाथ मेरा जोर दे दे नहीं तो मैं तुझे शराब दे दूँ। अब शराब तो लग जाती है ना, अब शराब देने का जब बोला तो शराब के जैसे बोला लड़के, तो बाबा जी ने बोला बच्चे शराब मत देना तो अपना जोर दे जा। उसने डंडा उठाया, पड़का के मारा, बोलता जयचंद राजे कुछ सबरदान हो जा। दोबारा उसको सबरदान करके उसको बोला बच्चा अपने चोर को ले जा, मैं अपनी समाधि लगाने लगा हूँ और तू उसको ले जा। अब आगे आगे राजे को पकड़ के ले जाती है, राजा लोग तब उसको वस्त्र वगैरह दोबारा लगाए, उसकी बरात हुआ आज भी ये रोटा ग्वाल पड़ता है वहाँ, सियाल पत्थर हो गई है, बैंड बाजे घोड़े जो भी थे उसके ना सियाल पत्थर हो गए, और ये शक्ति पीड़ित शिव रूप में समाधि लिए के पूरी अपने मंदिर में विराजमान सात जुगों की पिंडी की। उसके बाद फिर वो बरात सियाल पत्थर हो गई, जो कोटे वाली माता के नाम से आज एक मंदिर है माता का जी, तो वो माता जो कोटे वाली है वो जयचंद राजा की लड़की ही लड़की है, कि वो शक्ति पीठ पिंडी के रूप में सफल होगी, सती होगी और राजे की बरात सियाल पत्थर होगी। जो लड़की अपने भाई को ले गई थी उसके आगे कुछ ना हुआ, आज वो कुल देवी कुल है, उनके कुल को बचाने वाली, उसके आगे अपना बच्चा नहीं हुआ, वो कुल को बचा के लेगी, कुल देवी बन गई, और उसके भाई को लेगी तो उसके आगे चार पुत्र हो गए, चार पुत्रों का वंश आगे आगे चला होगा, कोई हरियाणा में, कोई पठानकोट मंडोली मंडा में, कटीरा में, मसौली में, कुच्छड़ खत्री जात के नाम से आज वो वंश सर का चला होगा। ये शक्ति पीठ से महात्मा जोगी नाथ थे। ठीक है, फिर इनका जो सिकंदर होता था वजीर को, पूर्व वजीर जो राम सिंह वजीर था, इधर का राम सिंह वजीर बादशाह वजीर था, इनका पूर्व वजीर जब इनका स्टार्टिंग खानदान फिर शुरू हुआ ना इस काल में,
तो फिर वो पूरे वजीर इनका जब स्टार्टिंग खानदान बस वजीर को फिर सरेंडर होता था, वही वजीर जयचंद्र राजे का था। उसको बाबा जी बताते थे कि तू समझाता था, राजा नहीं मानता था, लेकिन तू वही वजीर तेरा को मैं जन्म दिया, सामने तेरे को जन्म दिया है, तू मेरे इस मंदिर का निर्माण करा दे। वो इसको कूटने आता था, अपने मजदूर भेजे, दो दिन भेजे ऐसे पहले दिलाए इसको जितना मंदिर अंदर का दौर है ना, इसको फाड़ के दे कहीं शिवलिंग को चोट ना लग जाए। ये 45 लोग को नीचे को जाता था, इसका कोई अंत नहीं चलता था इसकी गहराई का। अब नीचे को जाता है, शाम को मजदूर चले जाते हैं, सुबह फिर आए, दूसरे दिन जब आए तो ये पूरा माटी से पूरा ढक गया था, फिर स्वप्न हो गया था। उन्होंने फिर दोबारा खुदाई की, शाम का टाइम आ गया, फिर नीचे को जाए। तीसरे दिन जब फिर आए, शाम को वजीर को बताया, तीसरे दिन आए तो फिर ऐसे ही स्वप्न था। फिर जाके वजीर को बोलते हैं कि राजा ऐसा हुआ है उस वजीर को। अब वजीर कहता है चलो मैं खुद चलता हूँ। जब वो आया उन्होंने बोला कि दो तीन दिन ऐसा हो गया है, ऐसा कि हम उसको खुदाई करते हैं और ये सारा ऐसे हो जाता है। तो ऐसे में जो फिर वजीर जो है ना, जिसको समंदर होता था, वो उसको फूट के पार को ले जाता है। अब वो खुद आया, वही टाइम हो गया जब इसको खुदाई करते करते नीचे में जाता था शिवलिंग। अब वही टाइम हो गया जब अंधेरा होने लगा, उसने लिया पकड़ कर गैंती जो से इसके ऊपर मार। अब इसके ऊपर जब गैंती मारी तो इसका रथ और खून से रथ पत हो गई, पिंडी उसको खून की धारा चली, इसके सारे कपड़े खून से भर गए। उसने इसको फिर जप्पी लगा दी, जब जप्पी लगाता साथ में बजर हो गया, बजर होने से जैसे उसके मजदूर लेबर लगी थी उसने खींच करना उसको ऐसे जैसा जैसा होगा थोड़ा पकड़ कर घर में पहुँचाया। घर में पहुँचाया, चारपाई पर बैठा तो नीचे गिर जाए, पानी भी आए इतने इतने लंबे लुढ़े किरम चले हुए थे बीच में, खाना खाने के लिए कीड़े किरम इतने इतने लंबे लुढ़े। बाबा जी ने बोला अब नर्क कुंड में रखूंगा तुझे, कहीं किसी युग में किसी भी मैं मनुष्य थोड़े भी नहीं लाऊंगा कि तेरे को मैं जो बोला तुमने नहीं किया, तू मेरे को कूट के ना चाहता, मैं तो तेरे को सारा कुछ बताता था कि मैं वो महात्मा शिव की स्वयं शिव रूप में मैं कहा समाधि की शिव की भक्ति में मैं रमाया हूँ, शिव की भक्ति में समाया हूँ, तेरे को मैं सब बताते हुए तू मेरे को कूट के ना चाहता है। और गैंती जो मारी उसका यही बाकी में विश्वास है, ठीक है। और फिर उसने बोला कि बाबा एक बार मुझे माफ़ कर दो, मैं तेरा तंत्र विधि से जहाँ ही मंत्र बनाता हूँ, जहाँ निर्माण कराता हूँ, जगह भंडारा कराऊंगा, हवन पाठ कराऊंगा, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। फिर बाबा जी ने बोला चलो तुम इतने शंदे मेहनत कर रहा है ना, तो फिर तुझे सारी ऊट भीट पत्तल साफ सब कुछ खुद करना पड़ेगा। फिर उसने महाराज तंत्र विधि से ये मंत्र बनाया। तो फाइनली अब हमने मंदिर के दर्शन किए, तो अब हम फादर साहब जी से पूछते हैं कि अगर हम इस मंदिर की तरफ आना चाहे तो कैसे हम इस स्थान तक पहुँच सकते हैं। अगर आपने पठानकोट से आना है तो पठानकोट से आपने जसूर, जसूर से आपने राया के तलाश वाले रोड को पकड़ना। ये एक प्राचीन शिव मंदिर है जो कहते हैं कि सत युग में इसकी स्थापना हुई थी, और कहते हैं कि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो एक कुदरती शिवलिंग लगता है, ये नेचुरली ही शिवलिंग है, जो किसी द्वारा बनाया नहीं गया है। आपको शिवलिंग के दर्शन करवाते हैं और कहते हैं कि जहाँ पे सावन महीने में काफ़ी दुनिया आती है, तो जहाँ पे जो भी अपनी मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है। ये एक हिमाचल के जसूर और चंबा और ये कांगड़ा शाहपुर के लोगों के लिए एक धार्मिक स्थान है और शिव को समर्पित मंदिर है, तो जहाँ पे हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप भी स्थान में कभी आए।